आज हम कर रहे हैं गोप्रो से इसका रिव्यू, क्रेटा नाइट एडिशन एस ऑप्शनल का। तो आपको ये कुछ इस तरह की ग्रिल मिलेगी, बिल्कुल ब्लैकआउट, जो लोगो भी है इसका बिल्कुल ब्लैकआउट है, और ये कुछ इस तरह से दिखेगी। हाँ, ये सुनाया करिए, अगर ब्लैक कलर में लोगे तो नाइट एडिशन। ओके, तो ये कुछ इस तरह से इसकी लाइट मिलेगी, जो कि आपको प्रोजेक्टर में मिलेगी, एलईडी में, हेलोजन में नहीं है। और ये भी सारा इसका एलईडी सेटअप है, ये जो सारा मिलेगा यहाँ से। और इसमें फोग लैंप नहीं आते, और ये इसका जो है एयर वेंटिलेशन के लिए है। और कुछ इस तरह से ये आपको फ्रंट लुक दिखेगी। उसके बाद में बात करते हैं टायर सेक्शंस की। तो इसका टायर सेक्शन है 215/60R17, 17 इंच के ब्लैक कलर में अलॉयज भी मिलेंगे, और जो है रेड कलर का इसमें कैलिपर मिलेगा। अगर पीछे टायर की बात करते हैं, तो पीछे टायर में आपको जो है रेड कैलिपर नहीं दिया इन्होंने, पता नहीं इसका रीज़न क्या है। हुंडई के पास, हुंडई बता सकती है क्या रीज़न है। बाकी ओवरऑल लुक आपको दिखा देता हूँ गाड़ी का। साइड से लुक ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल ब्लैक है, कहीं भी क्रोम का कोई यूज़ नहीं है बिल्कुल। और जो इसमें रेन वाइजर जो लगवाए हैं, वो भी मैंने जो है बिल्कुल ब्लैक कलर के लगवाए हैं, जिससे कि पूरी ब्लैक माफिया वाली लुक देगी गाड़ी। पीछे से बात करते हैं, तो पीछे से कुछ आपको इस तरह का लुक दिखेगा पीछे से। और यहाँ पे मिल जाएगी आपको ये नाइट की बैजिंग। और पीछे से आप देखोगे कुछ लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि क्रेटा भी जो है लिखा हुआ इन्होंने बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया है। तो दूर से देखने से पता ही नहीं लगेगा कि गाड़ी कौन सी कंपनी की है। ये पीछे से अगर लुक देखोगे तो ये इस तरह से आएगी। और ये इसका शार्क फिन एंटीना है। पापा के लिए, पापा का चश्मा लगा हुआ है इसलिए पापा को दिखता नहीं है दूर से कि ये कट करेटा की कंपनी है। ओके, चलो स्नाया की बात को इग्नोर करते हैं और चलते हैं ये साइड लुक से। इस साइड से भी आपको कुछ इस तरह की लुक मिल जाएगी सारी। और ये आपको मिल जाएगा फ्यूल टैंक, जो कि है 50 लीटर्स का, और ये डीजल है, इसलिए आप में इसमें DFF जो डालते हैं वो भी मिलेगा। तो वो सेम ही जगह है, दोनों यहीं से मिल जाएंगी। और कुछ इस तरह से लुक है। अब चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। ड्राइवर साइड से इसको देखते हैं कैसी दिखती है हमें ये। ओवरऑल इसकी अगर बात बात करें तो ये है। अब ओपन करते हैं हम। इसमें है रिक्वेस्ट सेंसर, ये देखिए, ये रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ ड्राइवर साइड की तरफ है, और जब आप इसको दबाते हो तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है और मिरर अनफोल्ड हो जाते हैं। तो अब चलते हैं हम अंदर की तरफ। अंदर से व्यू कुछ इस तरह से, पूरा ब्लैकआउट, क्योंकि यह है नाइट एडिशन। आपने दूसरी क्रेटा देखी होगी, उसमें ड्यूअल टोन है, लेकिन इसमें बिल्कुल आपको ब्लैकआउट अपीयरेंस मिलेगी। छत जो है सिर्फ वो ऑफ वाइट है। बाकी अब डोर की बात करते हैं। डोर पे ये देखो, बोतल होल्डर मिल जाएगा आपको, यहाँ आप 1 लीटर की बोतल आराम से फिट कर सकते हो। और ये आपके जो है मिरर फोल्डिंग बटन है, और ये मिरर अप, ये जो विंडो है अप डाउन कर सकते हो, ये लॉक अनलॉक का बटन है। और ये जी हैंडल भी बिल्कुल मेटालिक ब्लैक में कर दिया है। तो कुछ इस तरह से विंडो का लुक है। बाकी सीट की बात करते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा, हाइट एडजस्ट कर सकते हो, और सीट को 8 वे आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और ये इसका स्टेयरिंग है, डी कट स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, वो स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा, और आपको ये ट्रैक्शन कंट्रोल बटन मिल जाएंगे, ये यहाँ पर आपको लाइट के बटन मिलेंगे, ये ऑटो हेडलैम्प के साथ आती है, और सुनाया करिए गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है क्या पेड़ में, पता नहीं। चलो बैक टू द टॉपिक। और ये आपको मिलेगा 8 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी, ये एस ऑप्शनल है, इसलिए आपको इसमें ये बटन भी मिल जाएंगे टच स्क्रीन के साथ साथ। अगर आप टॉप मॉडल लेते हो SX, तो आपको मिलेगा पूरा टच स्क्रीन। तो ये सारे आपको शो करेगा, जैसे विंडो खुली है तो ये दिखेगी आपको इसमें। और ये अब आ जाता है आपका ड्यूअल जोन AC। ड्यूअल जोन AC जो है, लेकिन बेटा बताओ ड्यूअल जोन AC जो है ना, बाकी तो सब आप काम करवा लोगे करोल बाग से इन छपरियों वाली, लेकिन ये जो है ना, ये फिनिशिंग आपको बेस मॉडल में वही रहेगी, 3 बटन वाली, तो इसको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए अगर बात करते हैं ना बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन की, या बेस्ट वैल्यू फॉर मनी क्रेटा की, तो एस ऑप्शनल बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें आपको अलॉयज व्हील मिल जाएंगे, आपको ये 8 इंच का
टच स्क्रीन मिल जाएगा विद बटन्स, और फिजिकल बटन ज़्यादा बेटर रहते हैं क्योंकि अब दोबारे से गाड़ियाँ जो है ना फिजिकल बटन पे शिफ्ट कर रही है, क्योंकि ये कन्वीनियंट होता है ड्यूरिंग ड्राइविंग और इस और चीज़ों के। दूसरा फिर आपको ये ड्यूअल जोन एसी बेस्ट चीज़ जो है ना, ड्यूअल जोन एसी मिल जाएगा ऑटो ऑटो कंट्रोल के साथ में। ये ऑटो कंट्रोल कहाँ से करता है, ये जो आप बटन देख रहे हो ना, यहाँ से ये सेंसर होता है, ये पता लगाता है कि बाहर टेम्परेचर कितना है और आपको अंदर गाड़ी के कितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। दूसरा ये फिर आपका जो मिरर है ये आपको मैनुअली एडजस्टेड मिलेगा। और एक बेस्ट थिंग इसकी ये है जो आपको मिलेगी, वो है ये बहुत बड़ी पैनारोमिक सनरूफ। इसका व्यूज़ देख लो आप ऊपर से कितना मस्त दिख रहा है, तो ये मिलेगी आपको बेस्ट, ठीक है। और इसको आप ऐसे ओपन भी कर सकते हो, तो ये आपको बेस्ट व्यू मिलेगा यहाँ से, ये देखो, ठीक है। ये बिल्कुल वन टच अप है, वन टच डाउन है। तो अब इसको बंद कर देते हैं, ये इसके बटन मिलेंगे यहाँ से। एक बटन में आप में पहले ये जो है ना ये फोल्ड बंद हो जाएगा हाफ वाला। अब दूसरा, अब मैं जैसे दूसरा बटन दबाऊंगा तो ये जो आपका कर्टेंज, ये कर्टेंज जो है ना ये बंद हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी खासी स्पीड में है, ऐसा नहीं है कि बहुत धीरे 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 बंद होगा, ठीक है। बाकी ये आपको हेडलैम्प लाइट मिल जाएगी कैबिन की, जो कि एलईडी के अंदर है। ये मिल जाएगा टिकट वैनिटी मिरर के साथ में है। और ये आपका ये टिकट होल्डर है, ये ज़्यादा सब गाड़ियों में सेम ही है। बाकी ये देख लो पूरी थीम, पूरा ब्लैक दिखेगा, ये बिल्कुल ब्लैक के अंदर। और प्लास्टिक की क्वालिटी और फिट एंड फिनिश जो क्रेटा की और हुंडई की है उसका मुकाबला है ही नहीं कोई। ये सिक्स गियर बॉक्स है। ये इसका जो है रिवर्स कैमरा है, रिवर्स कैमरा भी दिखा देता हूँ आपको। ये रिवर्स गियर है और ये इसका रिवर्स कैमरा है, ठीक है। इंडिकेटर के साथ में येलो जो लाइन है वो गाड़ी की डायरेक्शन दिखा रही है, बाकी ये ब्लू लाइन के ऊपर चलना चाहिए, ठीक है। ये आपका ऑटो एसी है। बाकी ये आपको मिल जाएगा हैंड रेस्ट मिल जाएगा, इसके अंदर आप इनफ स्टोरेज स्पेस है, कोई भी आप अपना स्टोरेज कर सकते हो। तो अभी गाड़ी को कर देते हैं बंद और अब पीछे दिखाते हैं, बैक सीट पे आ जाते हैं। बैक सीट में भी जो डोर है बिल्कुल ब्लैकआउट है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ भी बोतल होल्डिंग कैपेसिटी दे रखी है, आप एक लीटर की बोतल आराम से रख सकते हो। हाँ, चार स्पीकर दे रखे हैं, दो ट्विटर है इसके अंदर, दो ट्विटर आ गए हैं। और एक आपके पर्सनल उसको देखते हुए आपको यहाँ पर ये जो है ब्लैक कलर के कर्टेंस मिल जाएंगे आपकी प्राइवेसी के लिए भी। और ऐसी जो गर्मी होती है उसमें, हिंदुस्तान में पता ही आपको गर्मी कितनी है, तो उस गर्मी से बचाने के लिए भी ये कर्टेन काफ़ी हेल्पफुल है। तो अब अंदर आ जाते हैं, अंदर आपको मिलेंगे चाइल्ड लॉक आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मिलेंगी, ये देखो ये निशान दे रखे हैं उसका। और तीन बंदे जो हैं इसमें बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। ये आपको मिलेगा इसके अंदर एसी वेंट मिल जाएंगे, दो टाइप सी चार्जर मिल जाएंगे, वहाँ भी आप बोतल होल्ड कर सकते हो। और बिल्कुल ये ब्लैक कलर के आपको डोर हैंडल मिल जाएंगे। और दो हेडरेस्ट हैं इसके अंदर, और एक जो है बीच वाले पैसेंजर को हेडरेस्ट नहीं दे रखा है। और आप बीच में बात करें तो एक इसके अंदर हैंडरेस्ट मिल जाएगा विद टू कप होल्डर, आप दो कप इसमें आराम से रख के दो और दो आगे चार लोग बिल्कुल आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। बीच में हम्प जो है वो इतना ज़्यादा भी नहीं है। और ये जो ये मैट जो है बाहर से लगवाए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से व्यू आता है। अब आपको इसको कर देते हैं बंद, अब आपको बूट स्पेस और दिखा देते हैं, बूट स्पेस कितना मिलता है आपको इस क्रेटा में। आपको 450 के अराउंड बूट स्पेस मिल जाता है, ये देखो इसमें कवर रखा हुआ है इसको कवर करने के लिए। तो ये कुछ इस तरह का आपको पूरा बूट स्पेस मिल जाएगा इसमें, एक बच्चा या दो बच्चे आराम से लेट के भी जा सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से आपको ये हैंडल मिलेगा, इसको बंद करने के लिए आप इसको ऐसे बंद कर सकते हो। तो गाइज ये है क्रेटा नाइट एडिशन का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी गाड़ी कुछ नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो क्रेटा को आप कंसीडर कर सकते हैं, बेस्ट फैमिली कार हो सकती है आपके लिए, बाकी आपकी चॉइस है। और किसी यूट्यूब पे वीडियो देख के और उसके भरोसे आप गाड़ी चूज ना करें, अपनी
खुद की जो है एक्सरसाइज करें, और आपको किस पर्पज के लिए चाहिए, क्या आपका पर्पज है और रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से गाड़ी दें। जय हिंद, जय भारत।